तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खेतों की तरफ। ये दूसरे गांव को रास्ता जाता है और मामा के गांव से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। आए हैं, रीज़न ये है कि जानवर भगाने हैं। योगी बाबा ने जब से गाय वाय कटने का कर दिया है ना इंतज़ाम, तब से लोग गायों को पालना बंद कर दिए हैं, उनको छोड़ देते हैं। या तो जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं, उसके बाद वो फिर छोड़ ही देते हैं उनको। तो दिखाते हैं अभी किस तरीके से उनको भगाना है हम लोगों को खेतों में, क्योंकि तो हमारे खेत में वो चर रही है, मामा के खेत में, उनको भगा देते हैं वरना गन्ना वन्ना चर जाती है पूरा यार। तो ये रहे कुछ जानवर, देखो ये मेरे को बड़ा अजीब तरीके देख रहा है, काला वाला, हमें लग रहा है डेंजरस है भाई। और उधर देखो पूरा गन्ने का खेत वो वाला है मामा का, पर इसके किनारे वाले में ये चर रहे हैं तो ये उधर भी जाते हैं, उधर भी हाथ मार लेते हैं भाई। ये भट्टा है जहाँ ईंटें बनती हैं, तो वो ये कोल्हू है जहाँ गुड़ बनती है, और अभी ये बंद है क्योंकि गन्ना ख़त्म हो गया। इसी चक्कर में देखना अभी यह है, अभी कोल्हू ये देखो बंद है, जब गन्ना कटेगा फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इधर है बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो गई देर। इतनी जगह ये लोग लेते हैं गन्ना उन्ना डालने के लिए। ये खोई जो गन्ने से निकलती है ये बिक भी जाती है इनकी। और यहाँ पे है वो प्लांट जहाँ पे गुड़ बनता है, देखो वो उधर से भगा रहा है यार, तो उधर ही हम भी चलते हैं, उसका सपोर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, वरना इतने जानवर हैं वो अकेला फंस जाएगा। क्योंकि इसमें कई ऐसे होते हैं उड़ेलू टाइप के थोड़े से होते हैं ना, ये यहाँ से इसमें खोई नीचे से जो है ईंधन गूंजा जाता है, उसके बाद अंदर वो जलता है, तब कढ़ाई में जो उसका रस है गन्ने का वो जमता है। अरे यार कोल्हू ख़त्म हो गया, मतलब ये गन्ना ख़त्म हो गया, वरना आपको बना के दिखाते, उस टाइम हम घर पे थे नहीं। और यहाँ हमारी गौसेना निकल चुकी है पीछे से, क्योंकि कपिल भैया भगा के आ रहे हैं, हम लोग साइकिल से आए थे दो जन। गौसेना देखो ये चल गई, इतने जानवर थे क्योंकि भैया ने खोले हैं ना इसीलिए। अरे उधर आओ रहे थे, उधर आओ रहे, उधर तो आले नहीं आ रहा। चलो साइकिल लेके आए तो पीछे भी चलते नहीं है। अब देख छूट गया, उठा ले उठा ले उठा ले, जाए दो अब जी ना जी हेंगे ही हैं। एक जो छूट गया है भाई, अब देखो ये चली गई गौसेना हमारी, वो बेचारा है बाबा गांव भेज रहे इनका गांव। और ये वाला जो है अभी जाएगा देखो बाद में, जाओ जाओ इधर 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 इधर, तुम्हारे सब साथी इधर गए हैं। अब ये साथी से बिछड़ गया बेचारा, तो अब ये जा रहा है। और सामने से एक बारात आ रही है यार, दिन भर बरसात हुई है, इस टाइम मौसम थोड़ा सा सही है, निकल के जा रही है। देखो ये दूल्हे की थी, 1 2 3 4 5 करके गाड़ियाँ सारी की सारी। अब ये लोग सोच रहे हैं हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं भाई, हमें तो अपना ब्लॉग बना रहे हैं, तुम शादी में जाना है तो जाओ। तुम्हें देखो यार वेदर किस तरीके का है, और यहाँ पे देख लो भट्टे में जो ईंट पकाई जा रही है, कच्ची ईंट पाते हैं ये लोग, और अभी पकाई जा रही है ईंट, तो देखो ऊपर से धुआं निकल रहा है, यानी कि भट्टा चल रहा है। पास से दिखाते हैं इनकी, काफ़ी ईंटें भाई बेकार भी हो जाती हैं, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इनकी ईंटें पथी हुई कितनी ख़राब हो जाती है। देखो ये ईंटें यहाँ पर पाथी गई थी, मिट्टी की सूखने के लिए यहाँ पर पड़ी थी, ठीक है, इसी मिट्टी से बनाते हैं ये लोग, और सारी की सारी ख़राब हो गई। इसमें दोनों का नुकसान है, पाथने वाले की मेहनत चली गई और भट्ठे वाले का जो है ईंटें चली गई, दोनों का पैसा बर्बाद हो जाता है भाई। तो गाइस जैसा कि बता रहे थे कि आज शाम का जो वक्त है, और अभी हम लोग जब खेत से वापस लौटे हैं जानवर में भगा के, तो बरसात का मौसम था इसीलिए ये इंद्रधनुष बना है आज। और भाई काफ़ी दिन बाद जो है ये इंद्रधनुष बना हुआ मैंने देखा है, आप लोगों ने कभी देखा हो तो प्लीज़ बताना, ये काफ़ी अच्छा मोमेंट है यार, काफ़ी जो है इंजॉइंग मोमेंट है, काफ़ी बढ़िया। हम पहली बार, मतलब पहली बार नहीं बहुत दिन बाद, और डबल बने हैं यार, पहले ऊपर भी हल्का सा बना था, बन रहा है का हाँ। ये यार गजब की चीज़ है, देखो ये नीचे वाला तो बना है और हल्का सा ये ऊपर, यहाँ पे देखना ये वाला भी बन ही रहा है धीरे धीरे हमें लग रहा है हाँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने फाइनली इस वीडियो में इसी को दिखाया है। देखो बाकी तो चीज़ें थी एक ब्लॉग के तौर पर मैंने बनाई, पर ये देखिए बंगला है। पहले ये गाड़ी देखिए आप लोग, इस गाड़ी में एक चीज़ देखिए, यूट्यूब का सिंबल
कपिल क्रॉप्स, ये चीज़ देखिए। हम लोग पूरा खानदान का खानदान चलाने वाले हैं क्रॉप्स नाम से, और यूनिक भी है ये चीज़। और ये रहा बंगला छप्पर का, फूस का, एक चारपाई ये पड़ी है, एक चारपाई एक उधर तख्त पड़ा हुआ है। ये दिखाने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हो रही, क्योंकि गांव की ये चीज़ सबसे बेस्ट है। एक शायद आप छत के नीचे बैठे हो तो गर्मी लगे, यहाँ पर गर्मी लग नहीं सकती। और एक घड़ी भी यहाँ पर लगी हुई है जिसमें 1:20 हो चुके हैं, पंखा भी लगा हुआ है। पूरा ये फूस का पाती का बना हुआ है, बांस वांस लगा के। इधर चारा खनने वाली मशीन भी है। और ये देखिए भैंस का डिनर, लंच, सब कुछ, ब्रेकफास्ट वगैरह यही है, उसका चारा ये खा के फिर वो दूध देती है भैया। ये मशीन, वो इंजन से चलती है मशीन, देखो वो इंजन रखा हुआ है, उसी से चलती है, पट्टा लगा के यहाँ से, तो कुछ इसी प्रकार से चलती है। देखो ये बाहर का सीन है, देखिए ये पूरी बाग है जहाँ ट्रैक्टर वगैरह बाहर खड़ा हुआ है। और इसमें एक चीज़ देखिए, देखिए हर एक सामान कैसे, ब्रश वगैरह देखिए, आराम से इसमें हम लोग घुसेड़ देते हैं भाई, कि सामान टिका रहे वहाँ पे। छप्पर का ये फ़ायदा है, अलमारी की ज़रूरत नहीं है, तख्त इधर लगा हुआ, 2 बिस्तर, 1 चारपाई बाहर पड़ी है। 3 से 4 लोग, बस 3 लोग यहाँ पे रुकते हैं बाग में, ठीक है। ये अलमारी और ये यहाँ पे बर्तन, खाना वाना भी घर से यहीं पर आ जाता है, यहीं पर खाया जाता है, ठीक है। ये गाँव के सबसे अच्छी लाइफ में से एक है, ठीक है। शहर वालों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये देखने में, कूड़ा कबाड़ लग रहा होगा सब यहाँ पर नहीं भाई, हम लोगों को इसी में मज़ा आता है, तो इसीलिए हम लोग हर प्रकार के माहौल में रहना जानते हैं। ये पंखा देखिए ऊपर लगा हुआ, 24 घंटे यहाँ पे लाइट रहती है, जब तक लाइट रहती तो लाइट, उसके बाद जनरेटर से यहाँ पे लाइट रहती है, एक कैलेंडर करंट ईयर का, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब बाल्टी वगैरह, कपड़े वगैरह सब यहीं पर टंगे हुए हैं। और मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो बाग में ही रहता हूँ, मैं घर बहुत कम रुकता हूँ। तो फाइनली नानी नाना भी यहीं पर रहते थे, बाग बचानी होती है, यहाँ पर जानवर वगैरह भी पाले हुए हैं, सारा कुछ यहीं पे यहीं पर होता है। और उसके बाद अभी क्या हुआ है कि 2-4 दिन से मैं भी यहाँ पे हूँ, फिर चलेंगे अपने घर। और ये ब्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि अब लोग बोल रहे हैं कि जो भी लाइफ में तुम्हारी घट रहा है वो दिखाओ, तो भाई हमने सोचा चलो यही कुछ दिखाते हैं, नहीं कुछ तो अपनी नानी का ही घर दिखाते हैं। एक्चुअल में ये नहीं है, ये तो ऐसा टेम्परेरी है, कभी यहाँ पर 1-1.5-2 साल में बन जाएगा, अभी प्लान हो रहा है यहाँ पर बनने का पूरा मकान, ठीक है। पर अभी ऐसे ही चल रहा है क्योंकि एक घर मकान बढ़िया सा बना हुआ है, वो भी नहीं दिखा पाया आप लोगों को। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया ही होगा, क्योंकि ये गांव की नॉर्मल चीज़ है, इसमें मैंने इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा दी हैं कि आप लोग शायद लाइक करे बिना रह नहीं पाएंगे। अगर नहीं लाइक किया क्या कर सकते हैं भाई, खुद तो कर नहीं सकते, तो आप लोग ही करना यार, ठीक है। सपोर्ट करना भाई को, अपने छोटे भाई को। और बस हम लोग चलेंगे बनाते हुए, अभी घर पर हैं, सब भी घर पर हैं, तब ये वीडियो मुझे बनाने पड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप घर पे हो तो घर के ही वीडियो बनाओ, ठीक है, क्योंकि लोग आपको जानते रहें, पहचानते रहें कि हाँ ये बंदा कोई है, उस माध्यम से कि घर के ही वीडियो बना रहे हैं। इस टाइम जहाँ भी हैं, जो कर रहे हैं, वो सब दिखा रहे हैं आप लोगों को। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी लखनऊ नहीं जाएंगे, कभी बाहर नहीं जाएंगे वीडियो बनाने, जाएंगे, पर ये थोड़ा सा खुल जाए माहौल फिर जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा काफ़ी मुझे लगता है, तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में का बेल आइकन उस बेल पे क्लिक कर देना। और इंस्टाग्राम पर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, यहाँ पर यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो करिए, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और लाइव भी आएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए यार, कमेंट जरूर कर दिया करिए, अच्छी बुरी कुछ भी किया करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए यार, मोटिवेट होते हैं हम जैसे यार छोटे मोटे आदमी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।